हाय फ्रेंड्स हाउ आई यू मैंने नया यूट्यूब चैनल शुरू किया है रिगार्डिंग हाउ टू प्रिपेयर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम्स और थोड़ा सा मेरा आपको पढ़ाना रॉ लगेगा बिकॉज आई एम नॉट अ टीचर प्रोफेशन बट आप ही की तरह एक एक्सपीरियंट रहा हूँ और 2009 से लेके कर तक मैंने दस साल तक यू की तैयारी की है सारे अटैम्प्टी दिए बट बीच बीच में देता रहा लाइक दो हज़ार नौ दिया दस दिया फिर चौदह दिया पंद्रह दिया और उसके बाद अठारह भी दिया उन्नीस भी दिया तो नहीं हो पाया नहीं लिखा था होना बट ऐसा नहीं है कि कभी कुछ हुआ ही नहीं एंड तक कई बार पहुँचे बट कुडेंट गो थ्रू और तो वही एक्सपीरियंसेस आपके साथ क्या गलतियाँ हमने की क्या गलतियाँ से आप कुछ सीख सकते हो न्यूज़पेपर एनालिसिस मैं बेसिकली अभी इसमें स्टार्ट कर रहा हूँ और न्यू सुपर एनालिसिस हमारा थोड़ा सा मतलब जो लोग करा रहे हैं उनसे बहुत डिफरेंट लगेगा आपको क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो गलत करा रहे हैं बट आई थिंक मैं भी जो मतलब जब तैयारी करता था तो मुझे चाहिए था कि कोई मुझे बताए कि यार न्यू सुपर से इतने क्वेश्चन आते हैं तो कैसे हम क्वेश्चन को पिक कैसे करें कि हाँ यार न्यू पेपर से ये क्वेश्चन आ सकता है ये क्वेश्चन आ सकता है बट हाँ अब ये दस साल का एक्सपीरियंस है मुझे प्रोडम्स कई बार दिया है करा है थ्रू तो इसलिए हमें पत, मतलब अब मैं अगर जनरली भी न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ तो मैं ये देखता हूँ यार ये तो प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन बन सकता है ये प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन बन सकता है तो वही अपनी जो नॉलेज है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ थ्रू दिस चैनल तो आई होप आपको अच्छा लगे इसमें सबसे बड़ी बात आपके साथ ये नहीं होगा मैं आपको ये कहूँगा कि ये देखिए ये लाइन बहुत अच्छी लग रही है तो इसको आप थोड़ा सा और स्टडी कर लेना वो सब मैं ही करूँगा आई एम मेक श्योर कि अगर मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको जैसे सपोज कोई भी किसी सेक्टर के ऊपर कि ये क्वेश्चन आ सकता है उसके ऊपर तो आई मेक श्योर कि मैं उसके साथ आपको एक पॉइंट्स भी दूं कि हाँ ये इसके चीट कोड्स बनते हैं या ये इसके साथ आपको ये नॉलेज और ताकि आप उसमें आप नोट्स बना लें मतलब मैं आपको ये इंश्योर कर सकता हूँ कि अगर आप जैसे अगर आप इसके थ्रू जाएंगे मैं ये नहीं कहूँगा कि आप न्यूज़पेपर ना पड़िए न्यूज़पेपर तो मस्ट है क्योंकि देखिए फॉर्डर पॉइंट्स फॉर मेन्स वो हमें वैसे भी मिल जाते हैं बाय योजना कुरुक्षेत्र और मैगजींस प्रिलम्स के लिए और इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू के लिए आपको डेली अगर आप न्यूज पर पढ़ेंगे ना यू विल गेट टू नो कि क्या हो रहा है मतलब आप अवेयर रहेंगे कि आपके आसपास क्या हो रहा है बट मैं ये इंश्योर करूंगा कि कई बार हमें पता नहीं चलता है पढ़ते हुए कि यार हम जब क्वेश्चन आते हैं और जब एनालिसिस करते हैं हम लोग प्रीलिम्स के पेपर का तो पता चलता है यार ये क्वेश्चन जो हैं ये लिखा तो हुआ है कि करंट अफेयर से बट ये करंट अफेयर्स में हमने कहा मिस कर दिया उसको तो मैं अब आपके लिए वो लेके आऊंगा कि ये चीज को कैसे आपने पिक करना है और वो आपको नहीं बताऊंगा मैं मैं करके दूंगा आपको आई गो थ्रू द न्यूज पेपर्स जो जो हम जैसे हम करा करते थे कि कैसे इसके अंदर से और ये नहीं है सिर्फ रिल्स का बताऊंगा मेन्स का भी आपको मैं छोटे छोटे पॉइंट्स दूंगा कि ये इसको आप नोट कर लीजिए ताकि ये फॉर्डर पॉइंट बन सकता है किसी भी क्वेश्चन में यू कैन एट दिस पॉइंट तो वो आपके लिए एक थोड़ा सा आइसिंग ऑन अ केक हो जाएगा तो आई होप आपको अच्छा लगेगा ये हो सकता है आने वाली वीडियोस में आपको रोज़ ये इंट्रो मिले क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जितने ज़्यादा व्यूअर्स आए उनको पता चलेगी ये चैनल व्हाट इज़ ऑल अबाउट तो आई होप आप पसंद करेंगे और एक जरूर आपको ये कहूँगा कि आपने लाइक करना है डिसलाइक करना है वो आपके ऊपर है सब्सक्राइब करना है वो आपके ऊपर है बट आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप कमेंट्स में जाके ना अगर आपको अच्छा लगा है तो थम्स अप गंदा लगा है तो थम्स डाउन क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं वो प्लीज़ ये मतलब अगर आप जो अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ तो आप अगर मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आप ये कर सकें कि आप ये एटलीस्ट थम्स अप थम्स डाउन कमेंट्स में जरूर बताएं अगर आपको अच्छा लगता है तो थम्स अप नहीं लगे तो थम्स डाउन चलिए अब शुरू करते हैं अपना आज का हाई फ्रेंड्स आओ यू सो टूडेज फिफ्थ जनवरी सो लेट स्टार डे आज न्यूज में डायरेक्ट कुछ नहीं है न्यूज़पेपर से निकालने के लिए बहुत कुछ है टुडेज न्यूज़पेपर आई वुड से कि इंटरव्यू देने जो जा रहे हैं या जो मेंस के लिए थोड़ा पर्सपेक्टिव है जिनका उनके लिए थोड़ा बहुत ठीक है जो पॉइंट्स निकाल सकते हैं इंटरव्यू वाले आज जरूर अच्छी तरह पढ़िएगा काफ़ी अच्छा है और ट्रिलम्स वालों के लिए मैं बता देता हूँ कि जैसे इंदू पेज पे न्यूज़ थी ट्रैक सोशल मीडिया टू तो चेक पेंगोलिन पोचिंग इसमें ओडिशा फॉरेस्ट ये देखने की जरूरत नहीं है पेंगोलिन पोचिंग हो रही है इट इज़ एन एंडेंजर्ड स्पीशीज ये देखना है इस पर अब क्या आ सकता है वो मैं आपको बताता हूँ एट uh, स्पीशीज़ होती हैं पेंगुलिन की इंडिया में सिर्फ दो मिलती हैं इंडियन पेंगुलिन एंड चाइनीज पेंगुलिन हर चीज़ याद रखें यही सोचेंगे ऐसा नहीं है आर्ट होती है तब ये इसको नोट्स बना लेंगे रोज़ पढ़ेंगे मतलब तीन चार बार रिवाइज कर लेंगे बिफोर प्रम्स तो आपको याद आएगा कि हाँ ये पढ़ा था हमने एट होती है और दो इंडिया में होती हैं इंडियन पेंगुलिन अगर आप सोचेंगे ओडिशा में है ऐसा कुछ नहीं है पिछले महीने में पिछले साल न्यूज़ थी कि एम में उनको कॉलेज लगा रहे हैं रेडियो कॉलर्स तो ऐसा कुछ नहीं है इट इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंडिया बट आपको अगर कोई ऑप्शन दे सकते हैं तो ये दे सकते हैं कि एरिड रीजन्स में भी है क्या हाई हिमालयस में भी है नॉर्थ ईस्ट में भी तो ये याद रखिएगा कि ये एरिड रीजन्स में नहीं है हाई हिमालयस में नहीं है नॉर्थ ईस्ट में नहीं है और जो चाइनीज पेंगुलन है वो हिमालयन फुटहिल्स पर मिलती है नॉर्दर्न इंडिया में मिलती है थ्रेड्स टू पेंगुलन्स कभी भी याद रखिएगा जो भी स्केली एनिमल्स हैं या जिनके हॉर्न्स किसी के काम आ सकते हैं या वो बेसिकली हंट और पोच होता है तो वो एक तो मेडिसन्स के लिए होता है प्रोटीन सोर्स के लिए होता है मीट्स के लिए तो ऑब्वियसली आपका आएगा तो उसमें तो लिखना ही है मीट्स तो बट बेसिकली इनका होता है ट्रेडिशनल मेडिसन्स एंड प्रोटीन सोर्स आयुसिन की रेड लिस्ट में आता है ये एंडेंजर्ड में और चाइनीस पेंगोलिन क्रिटिकली एंडेंजर्ड और द बोथ द स्पीशीज आर इन शेड्यूल वन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अब इस पर जो मेन नोट बनाने का था वो ये था कि वट इज़ आई यू सी एक बेसिकली ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें गवर्नमेंट एज वेल एज सी है सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन 1948 में बना था ये फिर मैं वही बता रहा हूँ कि इसके नोट्स बनाइए जब चार पांच बार पढ़ लेंगे तो आपको याद रहेगा जो इसकी रेड लिस्ट की आनी शुरू हुई थी वो 1964 में हुई थी दूसरा थोड़ा सा याद रखने का है कि इट प्लेड ह्यूज रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ रामसार कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेजर स्पीशीज़ वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन एंड कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डिवर्सिटीज़ इतना याद नहीं भी रहे तो लिख जरूर लीजिए इनको नोट्स में चार पांच बार आप जब पढ़ लेंगे तो आपको याद रहेगा वो मतलब एक आइडिया आ जाता है जब नोट्स देखेंगे आप और एक ये वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटजी रिपोर्ट भी आती है ये जो यू और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के साथ बनाता है और करेंटली आई ओ सी इज़ द बिगेस्ट एंड मोस्ट डाइवर्स एन्वायरमेंटल नेटवर्क और इसमें आपको देखना है कि आई यू सी एन रेड लिस्ट कंपाइल्ड बाय द आई यू सी एन इज़ कंसिडर्ड द वर्ल्ड्स मोस्ट कॉम्प्रहेंसिव इंफॉर्मेशन सोर्स अबाउट द एक्सटेंशन रिस्क ऑफ प्लांट्स एनिमल्स एंड फंगस स्पीशीज तीन चीज़ों को देखता है ये प्लांट्स एनिमल्स और फंगस स्पीशीज़ उनके एक्सटेंक्शन स्टेटस को अब कई बार क्या होता है कि आदमी सोचता है यार हो सकता है सर ने यही बताया हो सकता है कुछ छोड़ दिया हो इस्पेस्टिक रहिएगा इसके अलावा कहीं भी नहीं क्योंकि हम लोगों की आदत होती है ऑल ऑफ़ देम ऑल ऑफ देम करने की अभी आपको मैं इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ ये देखिए दो में क्वेश्चन आया था कि रेड डेटा बुक पब्लिश बाय द आई यू सी एन कंटेन्स लिस्ट ऑफ़ एंडेमिक प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज़ प्रेजेंट इन द बायोडावर्सिटी हॉटस्पॉट्स स्पॉट्स प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज़ और प्रोटेक्टेड साइट्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ ये तो आदमी लगेगा यार फर्स्ट पॉइंट ठीक लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है बट आप ये देखिएगा कि जब मैंने आपको नोट्स में लिखवाया है कि ओनली प्लांट्स एनिमल्स एंड फंगस चलो इधर फंगस नहीं है कहीं भी बट प्लांट्स एंड एनिमल्स ही लिखवाया है बायोडाइवर्सिटी कुछ नहीं बताया ये नहीं बताया तो आप स्टिक रहिएगा बिल्कुल उस पर आप अपना दिमाग लगाइए बट जितना ज़रूरी उतना ही लगाइए और उसके बाद आई यू सी एन का हमने देख लिया और आई जो है इंडिया मेंबर है यस इंडिया इज़ अ मेंबर 1969 में बना था वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट प्रेजेंट करता है वहाँ पे रिप्रेजेंट करती है इसकी जो क्लासिफिकेशन uh, है वो क्या है क्रिटिकली एंडेंजर्ड एक्सटेंट ये थोड़ा सा इसका नोट्स बना लीजिएगा वनरेबल्ड एंडेंजर्ड नियर थ्रेट एंड लीस्ट कंसर्न डेटा पॉज करके आप ये लिस्ट बना सकते हैं लिख लीजिए जब तीन चार बार वही वाली बात मैं बार बार रिपीट करें जरूरत नहीं है अब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या है उसके सिक्स शेड्यूल्स हैं मेरे कल से इस बार भी पेलेंस में क्वेश्चन आया याद रखिएगा शेड्यूल वन और शेड्यूल टू में जो भी आते हैं उनको एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन मिलती है और हाईएस्ट पेनल्टीज है अगर उनको साथ कोई वो करता है और शेड्यूल थ्री और फोर में जो आते हैं वो भी प्रोटेक्टेड हैं बट लोअर पेनल्टीज हैं उस पर शेड्यूल फाइव ये देखिए शेड्यूल वन टू थ्री फोर सब प्रोटेक्टेड हैं थ्री फोर कम है वन टू ज़्यादा है शेड्यूल फाइव में आते हैं वर्मन वर्मन बोलते हैं उन चीज़ों को जो इज़िली यू नो आप मतलब मतलब मे की यू कैन हंड डेम फ्रीली ठीक है उनको वर्मिन बोला जाता है जैसे अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि पेंगोलिन के ऊपर ही क्वेश्चन आ जाए और तीन चार उस पर देखें उस पर लिख दे पेंगोलिन इज अ वर्मन इन डिस्क्रिप्शन तो आप कह सकते नहीं वर्मन नहीं क्योंकि वो शेड्यूल वन में आता है वर्मे ज्यादा शेड्यूल फाइव में जैसे कॉमन क्रोस बैट्स रैट्स माइस ठीक है और शेड्यूल सिक्स वो जो है उसमें एंडेमिक प्लान्ट जो हैं स्पेसिफिक एंडेमिक प्लान्ट को प्रोहिबिट किया गया है कल्टिवेशन के लिए और प्लांटिंग के लिए ठीक है ये याद रख लीजिएगा ज़रूर और उसके बाद ये मैंने आपको बता ही दिया आज थोड़ा सा एवियन इन्फ्लुएंजा का कई जगह आया हुआ है तो एवियन इन्फ्लुएंजा का थोड़ा सा समझ लीजिए कि कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे में ना मेरे कल से दो हज़ार मुझे आप आई डोंट रिमेंबर जब आया था तो उस बात को तीन चार साल हो गए थे बट उसका ऐसे ही कुछ केसेस निकलने शुरू हुए थे तो उसकी हिस्ट्री पूछ ली थी हमने और वो मेरे कल से इबोला वायरस के बारे में था तो ये याद रखिए कि जैसे आजकल एवियन इन्फ्लुएंजा दो तीन दिन से न्यूज़ में है तो वट इज़ दैट तो एवियन इन्फ्लुएंजा बेसिकली ये एच फाइव एन वन इफेक्शन है ये एक तो वायरल इफेक्शन है ये जरूर याद रखिए कि इट इज अ वायरल इन्फेक्शन कई बार पूछ लेते हैं इट इज़ अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन या कौन सा इन्फेक्शन है दिस इज वायरल इन्फेक्शन जो सबसे पहले रिपोर्ट हुआ था वो हॉन्गकॉन्ग में हुआ था नाइन्टीन में और उस बाद कई आउटब्रेक्स हुए हैं इंडिया में सबसे पहले हुआ था 2005 में कई जगह 2006 भी लिखा हुआ है बट बेसिकली ये 2005 के एंड में हुआ था इन uh, ये ह्यूमस को इंफेक्ट करता है येस इट कैन इन्फेक्ट ह्यूमन्स बहुत ज़्यादा कंटेजियस होता है ये और ये हमारे आ, अपर रिस्परेटरी इन्फेक्शन या आप, नोट्स मना लीजिए इस बाद में निमोनिया भी हो जाता है इससे एक क्वेश्चन आया था ये मुझे आज भी याद है प्रेवेंस में कि जो इंडिया को जैसे इंडिया को डिक्लेयर किया था अभी इसने 2019 में डिक्लेयर किया था इंडिया वाज फर्स्ट मतलब तो लास्ट डिक्लेयर फ्री ऑफ डिजीज इन 2017 और ये क्या होता है स्टेटस चेंज होता रहता है कि 2017 में दिया जब जैसे ही कोई केस आएगा वो स्टेटस वापस ले लेते हैं फिर दो में भी दिया था फिर वापस ले लिया ये स्टेटस देता कौन है तो ये देता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फ़ॉर एनिमल हेल्थ ये कई बार क्वेश्चन एक 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 बार आया था आई थिंक कि ये स्टेटस किसने दिया है तो वो बहुत सारी उसमें होती हैं जैसे आयुषीन भी बोल सकते हैं मतलब तो जो भी कि ये एनिमल बॉडी नहीं उसने बहुत रिलेटेड सा लगता सारा तो ये है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फ़ॉर एनिमल हेल्थ ठीक है ये देती है ये इम्पोर्टेंट है आई थिंक वी हैव गॉन थ्रू दिस ये क्योंकि आज न्यूज़ में इतना नहीं था जो नोट्स में ज़्यादा था एक एडिटोरियल uh, पेज पे टुडे इट्स अ वेरी गुड आज एडिटोरियल पे मैं वैसे ही बता दूं इंटरव्यू वालों के लिए बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं तो आप एडिटोरियल uh, आज अच्छी तरह पढ़िएगा मैं थोड़ा सा आपको ये uh, इसका बता देता तो हूँ जो मेन्स प्रोसेक्ट से ये बड़ा अच्छा आया हुआ है कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन पे एनर्जी एफिशिएंसी पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं मेंस में तो आप बता सकते हैं कि पावर मिनिस्टर ने ये रूल्स ले डाउन करे हैं डिस्काउ uh, डिस्काउंट्स के लिए डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लिए पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लिए कि अगर उन्होंने अगर परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स को नहीं किया अच्छी तरह नहीं फॉलो uh, किया तो उनको कंपनसेट करना पड़ेगा कंज्यूमर्स को क्योंकि एक तो आप ये एक तो ये पॉइंट हो गया कि हो गया कि बाई टू एटलीस्ट रेजिडेंशियल जो इलेक्ट्रिसिटी हमारी कंजुम्पन है वो एक्सपेक्टेड है एटलीस्ट डबल हो जाए तो जब एक्सपेक्टेड आ गया तो ये दिस इज़ नॉट गुड इंपॉर्टेंट फॉर प्रबल्स बट ये है कि हाँ आप मेंस में ये चीज़ें या इंटरव्यू में बताने के टाइम पे ये चीज़ें बता सकते हैं कि सर इट वी एक्सपेक्ट टू बी एटलीस्ट डबल बाय 2030 और उसके बाद uh, uh, जो, तो कि क्योंकि जब आप ये स्पेसिफिक डेटाज देते हैं ना इसके बड़े अच्छा मतलब एक नंबर दो नंबर आप एक्स्ट्रा स्कोर कर सकते हैं तो जैसे आया हुआ नाइन्टी परसेंट होम्स यूज फैंस मगर ओनली थ्री परसेंट हैव एफिशियंट फैंस वैसे ही हमारे सिक्सटी परसेंट का जो टेलीविजन स्टॉक है वो आज भी वो जो ओल्ड कैथोरिक कैथोड ट्यूब्स हैं वही मॉडल यूज़ कर रहा है ठीक है थोड़ा सा ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का ये पॉइंट्स आप दे सकते हैं देखिए मैं दिखाता तो हूँ आपको कि फर्स्ट वी नीड टू इम्प्रूव द अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ एनर्जी एफिशंसी एफिशियंट अप्लाइंसेस जैसे आप ये देख सकते हैं कि <coughs> एक वॉल्ट्री लेबलिंग स्कीम ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने स्टार्ट की थी जिससे हम कहते हैं ना ए सी ए स्टार टू स्टार थ्री स्टार तो अभी तक से फाइव परसेंट ऑफ सीलिंग फैंस प्रोड्यूस इन इंडिया आर स्टार रेटेड अब ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी मैंडेटरी करना चाह रहा है प्लानिंग कर रहा है वो टू से करने की तो मगर क्या है कि अब आप आपसे पूछ सकते हैं कि फिर क्यों नहीं कर रहे हैं तो आप बता सकते हो कि जो एफिशियट फैन कॉस्ट है वो डबल है कन्वेंशनल मॉडल से और हमें इसके लिए क्या जरूरी है टू प्रोड्यूस एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज एट स्केल और परचेजिंग कैपेसिटी हमें अच्छी करनी पड़ेगी फिर आप बता सकते हो कि ओनली मतलब सौ में से पच्चीस लोगों का ही पता है कि बी का कोई स्टार लेबलिंग आती है और वो भी सिर्फ मेट्रो सिटीज बड़ी बड़ी सिटीज़ को पता है बल्कि हमारी जो ज्यादातर पॉपुलेशन लिव इन स्मॉल टाउन्स एंड रूरल एरियाज और उनको पता ही नहीं है वो कहेंगे इससे फिर क्या कर सकते हैं तो ये पॉइंट है दो टू ब्रिच दिस डिफाइड बी नीड डिसाइज एंड कंज्यूमर सेंट्रिक एंगेजमेंट स्ट्रेटेजी स्टेट गवर्नमेंट डिस्कॉम्स मतलब फोर फ्रंट पर आना पड़ेगा यू हैव टू पुट मोर एफर्ट्स ताकि लोगों को हम बता सकें ठीक है तो ये पॉइंट्स आपके लिए अच्छे हैं अब आप पूछेंगे प्रिलिम्स के लिए क्या अच्छा है प्रिलम्स के लिए इसके लिए अंदर हमें यहाँ बनाने पड़ेंगे नोट्स और नोट्स में ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के लिए आता है दिस पॉइंट कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो है इट इज़ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर बना कब था ये ये आया था अंडर द प्रोविजन्स ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट टू दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अब अगर एक्ट के अंडर बना तो मैंने आपको पीछे एक दो दिन पहले बताया भी था कि जो भी चीज़ एक्ट के अंडर बनेगी इट इज़ अ स्टैचुटरी बॉडी तो कभी आए तो ये ब्यूरो देख के सोचना ये स्टैचुटरी बॉडी है मेरे प्रेलेंट्स के टाइम पर भी ये क्वेश्चन भी आया था कि पाँच ऑप्शन दी थी, थी कि इनमें से कौन कौन से अप्लाइंसिस जो हैं इसमें स्टार रेटिंग की वो है तो अब किसकी है रेफ्रिजरेटर्स ये याद न रखना सब कुछ बस एक बार देख लो ताकि आपको अगर क्वेश्चन आए वैसे तो जब तक ऐसे, जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना मोस्टली 99 परसेंट उसमें ऑल ऑफ़ देम आंसर होता है बट फिर भी आप देख लेना ये पॉज करके कि इसके बारे में क्या है क्या नहीं ये मैंने पॉइंट्स दे दिए कि जिन पर मैंडेटरी है और उसके बाद आज एक गोवा का एक पेज नाइन पेज टेन पे था मेरे ख्याल से गोवा के बारे में वो डेफिकेशन के डिफेक्शन के बारे में तो वो पढ़ना ज़रूरी नहीं है बट हमें पढ़ना क्या जरूरी है कि टेंथ शेड्यूल क्या है दिस विल यू यू विल रीड इन पॉलिटी बट मैं जब न्यूज़ पर मैंने वो कहा था कि मैं आपको ये नहीं कहूँगा वहाँ से पढ़ लेना मैं आपको बताऊँगा तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो टेंथ शेड्यूल है वो नाइनटीन एटी फाइव में इंसर्ट किया गया था तो थ्रू फिफ्टी सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट ठीक है ये बेसिकली डिफेक्शन लॉ है जिससे एम एल एज या एम पीज को डिसकॉलीफाई uh, कर दिया जाता है फ्रॉम द हाउस ठीक है ऑन अ पटिशन बाई एनी अदर मेम्बर ऑफ द हाउस अब उसका डिसीजन जो है ऑन डिसक्फिकेशन ये कई बार क्वेश्चन आते हैं याद रखेगा मैं उन्ही क्वेश्चन को वाकई बार, बार ला रहा हूँ कि इसका डिसीजन कौन लेता है कि डिसक्वालीफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ़ डिफेक्शन शेड्यूल टेन याद रखेगा शेड्यूल टेन मीन्स ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन ऑफ एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ एम एल एज एंड एम पीज और ये डिसीजन कौन लेता है तो ये लेता है स्पीकर ऑफ दैट हाउस और अगर वो राज्यसभा है तो चेयरमैन ऑफ दैट हाउस या अगर वो है वो तो दो, दो, दो तो बोथ स्टेट अब डिसक्वालिफिकेशन कैसे होती है किसकी होती है अगर आप किसी अगर आप सपोज कांग्रेस से लड़े हैं और आप उसकी मेंबरशिप छोड़ दें देन यू आर डिस्कालीफाइड अगर आप उन्होंने कहा इस वोट करें इसे वोट ना करें और आप उनकी विशिश के अगेंस्ट जाते हैं विप के अगेंस्ट जाते हैं तो उसका अगर कोई भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर द इलेक्शन पहले कर ले कोई बात नहीं आफ्टर द इलेक्शन अगर वो कर लेता है ज्वाइन तो उसको डिसक्वालीफाई कर दिया जाता है अगर कोई पटिशन फाइल करे और जो नॉमिनेटेड मेंबर है जैसे अगर जब सचिन को भी हमें नॉमिनेट किया था रेखा जी को नॉमिनेट किया होगा तो जो नॉमिनेटेड मेंबर है अगर वो सिक्स मंथ्स अगर जब जैसे सपोज आप नॉमिनेट हो आपको एमपी बना दिया नॉमिनेट कर दिया राज्यसभा में आपको नॉमिनेट होने के छः महीने के अंदर कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करनी है ठीक है मत, sorry. I'm really sorry. Uh, अगर आप पार्टी ज्वाइन करते हैं सिक्स आफ्टर बिकम अ मेंबर उसी टाइम कर लेते हैं कोई बात नहीं इफ अ नॉमिनेटेड मेंबर ज्वाइंस मंथ्स आफ्टर ही बिकम्स मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर अगर आप आज बने हैं उसके छह महीने बाद क्योंकि वो कहते हैं कि भैया पहले क्यों नहीं मैं इसका वैसे बता रहा हूं आपको कि छह महीने तक तो अकल नहीं आती जब नए नए आदमी को किसी आर्ट लिटरेचर वाले आदमी को बना दिया जाता है तो छः महीने तक वो नेता नहीं बनता छः महीने बाद उसको नेताओं के गुर आ जाते हैं समझ तो वो उसके बाद तो हजारी से डिसीजन ले सकता है इसलिए उसको कहा गया कि उसको उस टाइम डिस्कवालीफाई करो उससे पहले अगर वो डिसीजन ले रहा है छः महीने से पहले ही तो उसका मतलब वो अनजाने में ले रहा है या उसको करो तो इसको डिसक्वालीफाई ना करो ठीक है ये याद रखिएगा छः महीने के बाद का वाला डिस्कवालीफिकेशन है एक्सेप्शन अंडर द लॉ एक्सेप्शन्स क्या है कि अगर सपोज आपकी पार्टी है आपने पार्टी बना रखी है और आपकी पार्टी में दस आदमी इलेक्ट हो पहुंच गए पहुँच गए लोकसभा दस में से नौ पहुँच गए चलिए ठीक है टू थर्ड मतलब तीन या नौ छः, छः आदमी अगर टूट के एक जगह जा रहे हैं छः आदमी टू थर्ड और एटलीस्ट टू थर्ड छः से ऊपर हो, मगर छः तो एटलीस्ट हो, जा रहे हैं तो वो पार्टी की कोई औकात ही नहीं रहती बेसिकली तो उस सैनैरियोज में वो Uh, क्या नाम है जो अगर वो किसी पार्टी के साथ मर्जर कर लें या कहीं और चले जाए जैसे हरियाणा में हुआ था कि हजका हर, अजका पार्टी थी जो कुलदीप बिश्नोई ने बनाई थी तो उसकी पार्टी के सारे मेंबर्स जो है कांग्रेस में जाकर ज्वाइन हो गए थे तो उसने डिसक्वालिफिकेशन के लिए पटिशन फाइल किया था तो उनका था डिस्कालीफाई नहीं कर सकते क्योंकि वो तो सारी के सारी चार आदमी आपके इलेक्ट हुए थे सारे के सारे चले गए तो इसमें ये होता है तो पहले तो ना ये जब आया था लॉ तो ये बेसिकली जुडिशियल रिव्यू को सब्जेक्ट नहीं था बट सुप्रीम कोर्ट ने नाइनटीन एनटी टू में ये सब भी आना रखना नाइनटीन एनटी टू में कराता ये करता बट क्वेश्चन आ रहता है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर के हो अपील के बाद मतलब अगर वो डिसीजन ले लेता है पहले नहीं कि किया वो सीधा हाई कोर्ट पहुंचे नहीं प्रिसाइडिंग ऑफिसर मतलब स्पीकर या चेयरमैन ने अगर ये कह दिया कि नहीं इसको डिसक्वालीफाई कर दिया जाता है या नहीं कर दिया जाता उस डिसीजन के बाद आप उसकी अपील कहाँ कर सकते हैं तो हाई कोर्ट याद रखेगा हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट तो हाई कोर्ट याद रखेगा ये क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आप खुद अगर आप पॉलिटी की बुक देखें और लास्ट में जहाँ क्वेश्चन दिए होते हैं लास्ट ईयर के उसमें आप देखेंगे तो आया हुआ है बहुत बार होता है कि आ, इसके अगेंस्ट कहीं नहीं जा सकते इसके अगेंस्ट कहाँ जा सकते हैं तो हाई कोर्ट जा सकते हैं सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी थैंक यू